नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद फर्रुखाबाद शहर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने चार अंतर जनपदीय बाइक चोरों को गिरफ्तार कर बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के पास से बाइक आदि के उपकरण समेत किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की 6 बाइक, 1 स्कूटी, 3 बाइक के चेचिस व बाइक काटने के उपकरण किए बरामद। बड़पुर मंदिर के निकट शहर कोतवाली पुलिस ने चार चोरों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार चारों चोर बाइक काटकर उनके पुर्जे महंगे दामों पर बेचते थे। गिरफ्तार चारों चोरों के विरुद्ध जनपद समेत विभिन्न जनपदों में कई मुकदमे संगीन धाराओं में पहले से दर्ज हैं। फतेहगढ़ पुलिस लाइन सभागार में एसपी अशोक कुमार मीणा ने मामले का मीडिया के सामने किया खुलासा। फर्रुखाबाद से ब्यूरो मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज़। थाना फर्रुखाबाद की टीम और एसओजी टीम ने मिलकर एक अंतर जनपदीय बाइक चोर गिरोह पकड़ा है, जिसके अंतर्गत चार व्यक्ति अपराधी पकड़े गए हैं, जिनमें 3 कन्नौज के रहने वाले हैं और 1 लोकल फर्रुखाबाद का रहने वाला है। इन लोगों को कल रात 12:30 बजे से 3:10 के बीच में बड़पुर मंदिर के पास से विष्णुगढ़ तथा कन्नौज छिबरामऊ से पकड़ा गया है। इनकी निशानदेही पर इनसे 4 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें, 1 स्कूटी, 3 मोटरसाइकिलों के कटे हुए चेचिस, अन्य मोटरसाइकिलों के पार्ट्स और मोटरसाइकिल काटने के जो औजार हैं वो सभी बरामद हुए हैं। इनमें से 4 मोटरसाइकिलों के संबंध में पहले ही थाना जनपद में थानों पर मुकदमे पंजीकृत थे चोरी के, मोटरसाइकिल चोरी के, जो उनसे कनेक्ट हुई है। ये सभी शातिर अपराधी हैं, इनके खिलाफ पहले भी कई मुकदमे हैं। अर्जुन उर्फ अखिलेश जो कि कन्नौज का रहने वाला है, इसके ऊपर कुल 17 मुकदमे हैं। प्रेम सिंह जो कि फर्रुखाबाद का रहने वाला है, उस पर 5 मुकदमे हैं। अभियुक्त हर्ष अहमद उस पर 5 मुकदमे हैं और महेश पाल पर भी 5 मुकदमे हैं। इनका जो मोडस ऑपरांडी था, उसमें जो अर्जुन और प्रेम सिंह है, ये मोटरसाइकिल चोरी किया करते थे और ये हुस्न अहमद उर्फ लालू मोटरसाइकिल वाले को दिया करते थे, जो कि मोटरसाइकिलों को काटता था, और जो महेश पाल है, जो कबाड़ी है, जो कन्नौज करने वाला है, वो उसके जो पार्ट्स थे उनको बेचा करता था। ये लोग जो इसने पता चला है, एक मोटरसाइकिल करीब 5,000 रुपये में बेचा करते थे और उसके बाद जो भी पुर्जों को बेचने से या मोटरसाइकिलों को बेचने से जो इनको फ़ायदा होता था उसको आपस में बांट किया करते थे। इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी, साथ ही साथ इनकी गैंग को रजिस्टर करवाया जाएगा और संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। कहता है किन किन इलाकों को अपना निशाना बनाते थे फर्रुखाबाद जनपद में? जनरली जो आपके हॉस्पिटल्स हैं और आपके बैंक्स हैं उनके सामने जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती है, साथ ही साथ रेलवे स्टेशन के जहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी होती है वहाँ पर इनका मेन फोकस रहता था, जैसा इनका बताया गया है। और हम ये भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके गिरोह में कोई अन्य लोग भी हैं क्या, और उन पर भी जल्दी कार्रवाई की जाएगी।